हमारे मुल्क भारत में कोविड-19 के टीके अंदाजी का सिलसिले का आगाज हो गया है। वहीं रियासत तेलंगाना में भी जुमला 139 सेंटर पर आज टीके अंदाजी शुरू कर दी गई। मजलिस के हलके नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेराज एरिया अस्पताल नामपल्ली में कोविड वैक्सीन के टीके अंदाजी मुहिम का इफ्तिताह किया। ये ईएनटी के डॉक्टर वेंकट वो पहले शख्स है जिन्हें ये टीका दिया गया। इस मौके पर मल्लेपल्ली के नौमुंतखब कॉरपोरेटर मोहम्मद जफर खान और रेड हिल्स के नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान मौजूद थे। यहाँ के जो भी मसले मसाइल उसको हल करते हुए यहाँ पे तरक्की का काम लेते आ रहे हैं, तो मैं फिर एक मरतबा मुबारकबादी देना चाहता हूँ यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को और स्टाफ को। उसके साथ साथ मेरे मल्लापल्ली के कारपेटर जनाब जफर साहब जो नुमाइंदा कारपेटर है और जनाब आरिफ रिजवान साहब जो रेड हिल्स के नुमाइंदा कारपेटर है और इस हॉस्पिटल के एक मेंबर भी है, तो उन सब ताउन से और ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम सदर मोहतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद थे। उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट जिसके अंदर एसीबी गोशा महल और हुमायूं हबीब नगर इंस्पेक्टर और उनके तमाम एसआई टीम और सब मौजूद थे। उसके साथ साथ ट्रैफिक के सीआई नामपल्ली और उनकी तमाम टीम भी मौजूद थे। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मुबारकबादी देना चाहता हूं। आज के ये प्रोग्राम में आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हमेशा से ही हर प्रोग्राम में आती है, इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहली चीज़ तो इसके अंदर बहुत कम है, मगर प्रिकॉशन हर चीज़ को ज़रूरी है। कोई भी अगर फर्ज करो वैक्सीन लेते हैं तो उसके अंदर हल्का सा बुखार आता है, तो ये वैक्सीन देने के बाद 30 मिनट्स तक ऑलरेडी वो पेशेंट को यहाँ पर रख रहे हैं जिसको वैक्सीन दिया जा रहा है। और इसके अलावा एम्बुलेंस रेडी है और हमारे पास ऑक्सीजन का पूरा पूरा इंतज़ाम है और इमरजेंसी डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर एनेस्थीसियन भी है, कार्डियोलॉजिस्ट भी है, तमाम के तमाम है। मगर हम जितना भी सुन रहे हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसा आम वैक्सीन के अंदर बच्चों को भी अगर कोई टीका दिलाते हैं तो हल्का सा बुखार आता है, ऐसा 100 में 1 या 2 को थोड़ा स्लाइट बुखार आ सकता है एक दिन के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है।